भैया देखो आगे। हाँ हाँ मैंने देख लिया है, इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही हो? आते हैं तो बात करते हैं। हाँ। मैं खुद बात कर लूँ। चलो सुनो तो सही। सुन रहा हूँ मैं। I love you. रोहन यार सुन। हाँ समीर भाई। एक यार जरा जूते में क्या लगा हुआ है? क्या लग रहा है? भैया मैं अपनी औकात भूल गए थे तुम हैं? मैं दोस्त है, इसका मतलब थोड़ी तुम कुछ भी बोल देगा मेरे से। लगवाया सही किया है भैया, चिल करो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, तू देख ले। नहीं नहीं फिक्र मत करो, इसलिए तो मैंने ये कैमरा लगवाया है ताकि मैं ये चीज़ें मतलब रिकॉर्ड करके रख सकूँ, इसलिए मैंने दानिश सर को बुलाया है। दानिश सर आप स्टार्ट करिए प्लीज़। मैं स्टार्ट तो करवा ही दूंगा, मगर आपके भैया इतने डरे हुए हैं, आप इतना कॉन्फिडेंट दिख रही हो, क्या सब सही होगा? आपको उम्मीद लग रहा है कि मतलब सब नॉर्मल हो जाएगा, सब सही चल जाएगा? जी मुझे पूरा यकीन है कि सब परफेक्ट होगा, सब अच्छा होगा। दोस्त आप ही का है ना? मेरा ही दोस्त है। आप इतने कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लग रहे फिर? वो आपसे ज़्यादा तो वो कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। बल्कि कॉन्फिडेंस मैं इसलिए नहीं हूँ ना कि वो कहा इतना अमीर है, अच्छी जॉब कर रहा है, कहा मेरी बहन, क्या रिएक्शन रहेगा? मत सोचो प्लीज, इतना मत सोचो, सब अच्छा होगा, वो भी मुझे पसंद करता है। और लगता नहीं है आपको विश्वास, मतलब पसंद करता है आपको, इतना फील है, मतलब पता जी, है जी मुझे यकीन है कि वो मुझे लाइक करता है। चलो फिर जब बात है बस एक प्यारा मोमेंट, प्यारा डे कैप्चर करने का तो कर रहे हैं आपके लिए, घबराओ मत, ठीक है? स्टार्ट करना बाबू। हेलो सुमित, दोस्तों आज मेरे साथ यहाँ पे ये लोग जो मौजूद हैं, मैं आपको थोड़ा सा इन लोग के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट आप समझना है इस वीडियो से रिलेटेड जो भी है। ये लोग आपस में भाई बहन हैं और इनका जो दोस्त है वो मतलब इनका क्रश है, और आज इस, अगर मैं इस चीज़ का नाम अगर प्रपोजल रखूँ तो कोई गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से, आप प्रपोज करने वाली हो? ओके, तो आज प्रपोजल डे होने वाला है और ये आई है मेरे पास अपना एक नहीं होता एक प्यारा मोमेंट कैच करवाने के लिए। और भाई आपको पता कब चला ये चीज़ आप बताना है, ठीक है? पहले से पता था भैया को ये सब? हाँ मैं सारी चीज़ें इनसे शेयर करती हूँ। अच्छा मतलब पहले से आपको पता था सारा चीज़? कैसे आपको लग रहा है कि नहीं वो सामने वाला मान जाएगा, क्या बात है? बचपन से लेकर आज तक जो भी होता आया है वो चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, क्लियर करना। और दोस्त तुम्हें पता चला तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे दोस्त के साथ मतलब है, मतलब प्रपोज करने वाली है, जो भी वाली क्या चीज़ है, सारा चीज़ एक बार एक्सप्लेन करो, क्लियर करना। हम छोटे से ही साथ थे, स्कूलिंग अच्छा। भी हमने साथ ही करी है, तो हम ऐसे ही घूमते फिरना, खेलना वगैरह सब कुछ हम लोग साथ में ही करते थे, तो मैं बचपन से ही उसे लाइक करती थी। अच्छा। तो फिर मतलब एक होता है ना लड़कियों का ड्रीम होता है कि नहीं मुझे ये बंदा, सामने वाला क्या नाम था उसका, समीर, समीर, वो भी आपको लाइक करता है? हाँ बिल्कुल वो भी मुझे लाइक करता है, फिर वो बाहर चला गया स्टडी वगैरह के लिए। अच्छा। अब वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पर है, जॉब कर रहा है, तो अब बस मैं चाहती हूँ कि अब मैं उसे प्रपोज कर दूँ, ये सही टाइम है करने का और हमारी बस जल्दी से शादी हो जाए। चलो भाई हो, मैं दुआ करूंगा कि आप की शादी हो जाए बढ़िया से। भाई आप बताना आपके दोस्ती जो है वो कैसा है, आप डर क्यों रहे हो? सबसे पहले एक चीज़ बताओ। डरने वाली बात तो ये है ना कि वो कहा अमीर है, कहा मेरी बहन है, इतने छोटे से घर में है, तो ये रिश्ता हो पाएगा नहीं हो पाएगा? दोस्ती में अमीर गरीब थोड़ी होता है मेरे भाई, दोस्ती तो दिल से निभाई जाती है ना। हाँ वो तो दिल से होती है ना, लेकिन वो तो उसकी सोच पे है ना, वो करेगा नहीं करेगा वो मैं होना कह सकता हूँ। अच्छा बचपन का दोस्त है इतना तो मेरे ख्याल समझेगा। नहीं मेरा बचपन का दोस्त है। आगे बताओ, ऐसे तो मना नहीं करेगा। नहीं भैया बिल्कुल वो मना नहीं करेगा, डर इसी बात का है कि वो
होगा नहीं होगा, क्या रिएक्शन, कंफर्टेबल हो ना अभी? हाँ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा आप कंफर्टेबल हो, कुछ प्रॉब्लम है आपको? कपड़े भी देखो छोटे पहन के आइए आज, ये क्योंकि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या रिएक्शन रहेगा उसके। क्या आपने बोला कपड़े छोटे, मतलब ये आप नॉर्मल ड्रेस नहीं पहनती हो नॉर्मल डे में? नहीं मैं उसके लिए तैयार होकर के आई हूँ, तभी मैं बोलूँ बार बार अनकंफर्टेबल सा लग रही है। क्या पहनते हो, मतलब ये नहीं पहनते मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनते? नहीं मैं वेस्टर्न नहीं, मैं इंडियन पहनती हूँ। तो इंडियन पहन के क्यों नहीं आया आज? नहीं वो मतलब बाहर रहा है तो वहाँ पे कल्चर ही वैसा है, तो इस वजह से उसको दिखाने के लिए, दूसरों के लिए सामने वालों के लिए आप खुद चेंज हो रही हो, ये सही नहीं है। अगर आपको पसंद करता है तो सूट सलवार या जो भी आप कपड़े पहनते हो इंडियन ड्रेस आप उसमें भी तो पसंद कर ही सकता है ना। हाँ बिल्कुल। बहरहाल जो भी बात हो जो भी चीज़ है पायल, देखो मैं एक चीज़ मैं क्लियर बता देता हूँ, मेरा कैमरा स्टार्ट है, जैसे तुमने बोला कि मेरे लिए बस एक वीडियो बनवा दो, मेरा कैमरा स्टार्ट है, साथ में पीयूष भाई हम लोग बैठे हुए हैं, भाई तुम्हारे साथ है, पता नहीं क्यों इनके मन में डर जो भी है जिस रीज़न से भी है, समीर नाम है ना उसका, समीर को बुला लो आप लोग, ठीक है? हाँ भैया आप कॉल, हाँ समीर को बुला लो, जो भी चीज़ होगा मैं रिकॉर्ड करके ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप बोलोगे तो मैं चैनल पर डाल दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं डालूंगा, मेरे को कोई ऐसा इतराज़ है नहीं, ठीक है दोस्तों? तो तकरीबन आपको अगर ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो आप समझ चुके होगा कि आप क्या देखने वाले हो, एक दोस्त अपनी बहन का रिश्ता करना चाह रहा है अपने दोस्त से, अमीर दोस्त, अमीर दोस्त। जो भी चीज़ होगा मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आई मैं कोशिश करूँगा कि आप तक ये वीडियो पहुँचे। भैया देखो आगे। हाँ हाँ मैं देख लिया है, इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही हो, आते हैं तो बात करते हैं। हाय रोहन, और बड़े दिनों कैसे तुम्हें कैसे याद किया? बस ठीक है। हाय समीर कैसे हो? हाय पायल कैसी हो? ठीक हूँ मैं। और बैठो बैठो। अरे पायल आ तो तुम अच्छा लग रही हो ना समीर, मैं जी तो सूट सलवार पहनती हो यार, सब कुछ ट्राई करना चाहिए ना इसलिए, अच्छी लग रही हो ना मैं? अच्छी है। देखा भैया मैं कह रही थी ना मैं अच्छी लग रही हूँ इन कपड़ों में। याद है? हाँ यार तेरे को पता ही है अपना काम। याद है स्कूल के दिन, याद है खेला करते थे, खड्डियों में घूमते थे, वो भी क्या दिन थे, वो मैडम के मस्तियाँ करते थे, कभी पंखे मोड़ देते थे, कुछ कर देते थे, है ना? तो वही चीज़ है, और मैं तुमसे कुछ बातें भी करनी थी, अभी तुम्हें मैंने बुलाया। हाँ यार बोल यार मैं तेरी। हाँ मैं कर रहा हूँ, रुक जा यार, तुम फोन में क्यों लग रहे हो इतने बिजी, कुछ बातें कर लेते हैं। अरे यार ना? थोड़ा सा मेरे को काम था ना यार, और तो बताओ और तुम्हारी नौकरी वगैरह सही चल रही, सही लग रही है? हाँ सब बढ़िया यार। रोहन अरे याद तो किया है, वो भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, काम की बात कर यार। काम की बात तो कर लेंगे, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने बुलाया तो इसलिए ही था कि कुछ बातें कर लूँ अपनी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्या तुम्हारे मन में बीतेगी भैया? हाँ मैं बात कर रहा हूँ, रुक कर रहा हूँ, रुक जा। क्या हो गया पायल तुम्हें? पता नहीं इसके क्या हो गया पायल। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो मेरी बात सुनो, तुम फिर फोन में लगे हुए हो यार, मेरे को एक मेल करनी है, जरा मैं मेल कर दूँ, तू बोलना यार मेरे को, जिसके तुमने मेरे को यहाँ पर बुलाया तो अपना काम बता। अपनी बात कह रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें बोलूँगा तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ हाँ मैं पूछ रहा हूँ, बोलता हूँ, तो यही बात थी, और तुमसे बातें करने थी, अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे मन में क्या बीतेगी, सौ सवाल हैं, क्या रिएक्शन रहेंगे तुम्हारे। हाँ खुद बात कर लूँगी। चलो चलो ठीक है, तुम खुद ही बात कर लो। ठीक ठीक। कैसे हो समीर? बढ़िया पायल, और सुनाओ? बस बढ़िया। और समीर मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो यार।
यार क्या तुम इस फोन में लगे रहते हो? यार मेरे को एक इम्पोर्टेंट, ये लो भैया फोन पकड़ो। तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? बस बात करनी है ना, जरूरी बात है। हमेशा फोन में भी नहीं लगे रहना चाहिए ना यार। कुछ मेरा पर्सनल काम था ना। ऐसा क्या पर्सनल काम समीर? और बताओ किस लिए बुलाया मेरे को यहाँ पे? समीर बस ये कहना चाह रही थी मैं कि समीर एक काम करो, तुम आंखें बंद करो। आंखें? हाँ आंखें बंद करो। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? फिर मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूंगी। ओके चलो ठीक है। ठीक है प्लीज चीट मत करना। हाँ बिल्कुल भी चीट नहीं करोगे। ठीक है बिल्कुल। अच्छे से आंखें बंद करो चलो। समीर हाथ दो। समीर ये कर क्या रही हो तुम यार? सुनो तो सही। सुन रहा हूँ मैं। I love you. समीर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बैठो तुम फाइल। थैंक यू। रोहन यार सुन। हाँ समीर भाई। ठीक है जरा जूते पे क्या लगा हुआ है? क्या लग रहा है? भैया ये सब क्या है? उठिए आप। ये है तुम्हारी औकात। तुम अपनी औकात भूल गए थे ना, वही दिखाना चाह रहा था मैं तुम्हें कि तुम्हारी औकात क्या है। लेवल तो देखो, तुम किससे क्या बात करना चाह रहे हो, किससे नहीं करना चाह रहे? बढ़िया है। मैं दोस्त हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब तुम जो मर्जी करोगे, कुछ भी बोलते चलोगे। अपने हिसाब से बात करो, क्या किससे क्या बात करनी है। अपनी औकात भूल गए थे तुम हैं? तो दोस्त है इसका मतलब थोड़ी तुम कुछ भी बोल देगा मेरे से, इससे करूंगा शादी में? तो एक से रिश्ते आते मेरे लिए, वो तो दोस्त से। चल कोई बात नहीं, मैं चल अपने दुख दर्द की बात मेरे से बातें कर रहा होगा, किसी चीज़ की तेरे को हेल्प चाहिए होगी। मुझे क्या पता था तुम लोग ऐसे करोगे मेरे साथ आके, मेरे को सीधा कह कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है।
रोहन मैंने तेरे को क्या समझा था, तू क्या निकला यार, बचपन का दोस्त था इसका मतलब तूने ये मेरे को सिला दिया है। भाई मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी की। क्या था यार ये, किसी की परमिशन की ज़रूरत है नहीं। आप तो इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि नहीं। हाँ मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो, सब देख रहा था, सारे लोग को मैं दिखाऊंगा कि क्या ये कितना बंदा अमीरी का अपना रोब जो दिखा के गया है ना, मैं दिखाऊंगा कि इसके अमीरी और क्या होते हैं। कोई नहीं, बंद कर कैमरे को।